मोटरों को ऐसे डबल चेसी लगी होगी, एक पाइप ये होगा और एक पाइप इसे पाइप कहते हैं हम, आप पाइप कहते हैं हम उसे चेसी कहते हैं। ये पूरी डबल चेसी लगी होगी लास्ट तक, बहुत सी कंपनी के यहाँ ख़त्म हो जाती है लेकिन इसकी मुकम्मल चेसी लगी होगी। ये डबल व्हीलर है पीछे से, यानी कि टोटल इसके पाँच टायर हैं, पाँच टायर वाला लोडर है। इसके इधर भी डबल व्हील हैं और उधर भी डबल व्हील हैं। ये टोटल फाइव व्हीलर लोडर है, इसे डबल टायर भी कहते हैं, फाइव व्हीलर भी कहते हैं। इन तीनों गाड़ियों को डबल टूल लगे हुए हैं, यानी एक टूल इस तरफ होगा, एक टूल इस तरफ होगा, एक टूल इस तरफ होगा, एक टूल इस तरफ। ये तीनों गाड़ियाँ डबल टूल वाली हैं और तीनों के पीछे पीछे सीट भी लगी हुई है। ये सीट बैक भी बन जाती है ड्राइवर की और खुल भी यानी कि खुल के सीट भी बन जाती है। और बड़ा कुछ इस वीडियो में आपको आज मैं दिखाऊँगा, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, आखिरी पॉइंट तक, जिसमें आपको तमाम डिटेल, आपको एक एक चीज़ की ब्रीफिंग, रेट, मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं लोडर इंडस्ट्री चैनल और आपका उस मलक रमीज़। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं सलार कंपनी के रिव्यू। बहुत से लोग मुझे कहते थे रमीज भाई मुझे 150 cc सलार का, 200 cc सिंगल टायर वाला और 200 cc डबल टायर वाला होगा, तीनों का मुझे फ़र्क बताएं कि क्या फ़र्क है तीनों में। तो मैंने आज इसलिए ये वीडियो बना रहा था, मैंने कहा जी एक दो के लिए ज़रूरी बनाते हैं, फिर अपने तमाम व्यूवर के लिए मैं बनाता हूँ। नज़र आ रहा है ना, ये 150 है, वो 200 cc सिंगल टायर वाला और वो 200 cc डबल टायर वाला, तीनों में खूबियों का भी फ़र्क है, क्वालिटियों का भी फ़र्क है। मैं छोटी सी वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बता दूंगा इसकी, इसकी कीमतें तीनों की बता दूंगा। वीडियो के आपने लास्ट तक बने रहना है, आपने लास्ट तक देखनी है। दोस्तों इसे डबल फ्रेम लगा हुआ है, डबल पाइप, यानी कि एक ये है और एक ये। अभी पाकिस्तान में बहुत कंपनी ये सला रही है जो डबल चेसी लगा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आप ही सियालकोट में ही रहा, क्योंकि महंगी आइटम है तो लोग नहीं मंगवाते। बहुत सी कंपनियां बना रही हैं डबल चेसी, लेकिन उनकी ये चेसी यहाँ तक है, सलार की चेसी हमने ये मुकम्मल बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद जी ये कार वाली भरी बैटरी लगा दी हुई है और नीचे से पोस्टर गियर भरा लगा हुआ है 75 mm वाला। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ दिखाता जाऊँ कि इससे डबल शाक लगे हुए हैं, ये एक शाख ये और एक शाख ये है, और 8 कमानियों के विंग्स हैं, यानी 8 कमानियों के पट्टे हैं, और ये बॉडी भी उठाई जा सकती है। ये बॉडी यहाँ से रुकाबे खोलेंगे आप तो बॉडी भी उठाई जा सकती है, और इसकी बॉडी डबल ही समय बनी हुई है, यानी ऊपर वाला हिस्सा अलग है और नीचे वाला हिस्सा अलग है। ये पूरे पाकिस्तान में वहद बॉडी है जो सारी कंपनियों से इंचे एक इंची ऊंची है। इसकी हाइट जो है 28 इंच है टोटल, यानी कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक 28 इंच है, यहाँ 27 या 28 होगी इंशाल्लाह, क्योंकि एंटी टेप मेरे पास नहीं है और एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखा देता। चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई इसकी बाहर बाहर से अगर पुमाइश करूँ तो 53 इंच होगी, तो अंदर अंदर से पुमाइश करूँ तो 50 इंच होगी। लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई है जी अंदर अंदर से इसकी लंबाई है 77 इंच और बाहर बाहर से इसकी लंबाई है 79 इंच। तो फिर आपको थोड़ा सा मैं वाज़ चीज़ें एक कर दूं कि जो लंबाई है इसकी फुट में 6 फुट 5 इंच है, ठीक है। और जो चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई इसकी बन रही है जी, अल्लाह तेरा भला करे, 4 फुट 2 इंच। तो फ्रंट पे डबल टूल लगा हुआ है, यानी दो टूल लगे हुए हैं, एक टूल इस तरफ है और एक टूल इस तरफ है। टूल कहते हैं जी बैठने की सीट भी है, टूल भी है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो सीट पीछे नज़र आ रही है ये बैक सीट है, ये सीट खुल भी जाती है, ठीक है, बैक भी बन जाती है और सीट खुल भी जाती है। इसके बरक्स ये 200 cc है, 200 cc को रेडिएटर लगा होता है और जंक्शन का इंजन लगा हुआ है, ये देखें जंक्शन का इंजन है। ये कंपनी को मैंने कहा कि जी जंक्शन का मोनोग्राम ऊपर रहने दें, कस्टमर को इसकी पहचान हो जाए, तो इसलिए कंपनी ने इसका मोनोग्राम ऊपर ही रहने दिया। तो जंक्शन का इंजन लगा हुआ है, तो इससे भी बॉडी जो बैटरी जो लगी हुई है ना भरी है, ठीक है, इसकी भी बॉडी वही है उस तरह से, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये 200 cc है, इसको भी हाई लो गेयर लगा हुआ है और इसको भी हाई लो गेयर लगा हुआ है। अब 200 cc का इंजन भरा है और रेडिएटर वगैरह लगा हुआ है और पानी वाली बोतल लगी हुई है। तो इसके साथ जो खड़ा है ये डबल टायर वाला है, यानी दो टायरों वाला लोडर है ये, इसके पीछे डबल टायर है, ये नज़र आ रहा होगा। ये टोटल 5 टायरों वाला लोडर है, इसे कोई फाइव व्हीलर कहता है, कोई डबल टायर वाला लोडर कहता है,
इसमें और भी चीज़ों का फ़र्क है, इसे भी इंजन जंक्शन का लगा है, रेडिएटर लगा है, डबल टूल लगा है, पीछे सीट लगी है, लेकिन इसकी बॉडी भी भरी है, 7.5 फुट की इसकी बॉडी है, बॉडी की जो लंबाई है ना वो 7.5 फुट है, तो अंदर अंदर से 7 फुट 1 इंच बनती है इसकी लंबाई। 6 माह की मुकम्मल गारंटी देता हूँ मैं हर एक गाड़ी की। तो ये वाहद मॉडल हैं जो आपको सिर्फ सियालकोट में ही मिलेंगे और हमसे ही मिलेंगे, आपको पूरे पाकिस्तान में ये कहीं से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर कंपनी से आप मंगवाएंगे या डीलरों के पास खड़े होंगे तो वो इतनी महंगी आइटम नहीं कंपनी से मंगवाती, और ये वाहिद आइटम है जो सिर्फ सियालकोट वाले, महंगी ज़रूर है लेकिन क्वालिटियाँ हर अल्हम्दुलिल्लाह हर एक हमने अपनी मर्ज़ी से डलवा ली हैं, जिस जो जो इसमें हम डलवा सकते थे। 6 माह की मुकम्मल गारंटी होती है। 150 cc के रेट की अब बात करूँ तो रेट इसका है जी 150 cc का 2,70,000, 200 cc का 3,10,000, 200 cc डबल टायर वाले का 3.5 लाख रुपया, सब में डिस्काउंट हो जाता है, सबकी यानी कि सबकी क्वालिटी आपको मैंने बता दी है, सब में डिस्काउंट हो जाएगा, 6 माह की मुकम्मल गारंटी होगी। इनमें एक छोटा सा मसला ये है कि इनमें नहीं, सारी कंपनियों का मसला ये है कि इनको नंबर नहीं लगते, चाहे कौन सी मर्जी कंपनी का लें, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी नंबर शुरू हो जाएंगे, ये अंदर की बात है, लेकिन मेरा हक है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊँ। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी लोडर बना रही हैं, सब कंपनियों के लोडर में सबसे ज़्यादा वजनी लोडर सलार कंपनी का है। आप मुझसे शर्त लगा के चेक कर लीजिएगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, जो बात मैं कहूँगा इंशाल्लाह वही होगी। जी दोस्तों, ये थी वीडियो आज की, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अपन अगर आपने ये लोडर खरीदने हैं तो गाड़ी का स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे रابطہ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।